दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अश्वी फैंटेसी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ वुमेंस और पाकिस्तान वुमेंस T20 की, जो शायद 11:30 बजे से खेला जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी आप पहली बार आए हो हमारे YouTube वीडियो में तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना और कॉमेंट ज़रूर करना। और अगर दोस्तों आप ऐसे ही वीडियोज़ बनाना चाहते हो, अगर अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। दोस्तों मैंने फर्स्ट T20 की टीम दी थी, बेहतरीन गई है, अच्छे खासा विनिंग भी हुई और बहुत सारे जो अपने ग्रुप मेंबर के सदस्य हैं उसने स्क्रीन शॉट भी भेजे थे, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड भी कराई। तो आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी जुड़िए, क्योंकि आपको उसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल भी बेहतरीन गए थे T20 मैच और हम वही मैच कवर करते हैं दोस्तों जिसमें जीतने के विनिंग चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप हमें अपना सपोर्ट दीजिए तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ वुमन और पाकिस्तान वुमन के पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की ओर से डोटिन और हेली मैथ्यूज़ ओपन करेगी। नंबर 3 पर दोस्तों जो इनके बेहतरीन प्लेयर है, बैट्समैन है, जो ऑलराउंडर है जिसको हम कह सकते हैं और आपके लिए बेहतरीन कैप्टन और वीसी की चॉइस है, वो है स्टेफन टेलर। तो नंबर 3 पर बैटिंग करेगी दोस्तों। कुपर नंबर 4 पे आएगी, चिनेली हेनरी नंबर 5 पे, काइसन नाइट नंबर 6 पे दोस्तों विकेट कीपिंग की ड्यूटी करेगी, चिल्ड्रन नेशंस नंबर 7 पे दोस्तों, रिमबार्क जो एक बॉलर है दोस्तों नंबर 8 पे, अनिशा महमूद 9 पे, अलाइनी 10 पे और कोनेल 11 पे। दोस्तों आप देख सकते हो प्रत्येक प्लेयर के आगे निशान भी बने हुए हैं, जो कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा और कौन ऑलराउंडर है, कौन विकेट कीपिंग करेगा, आप प्रत्येक प्लेयर के बारे में ऐसे अच्छी तरह से देख सकते हो। पाकिस्तान वुमन की बात करें तो नायडा खान और जावेरिया खान दोस्तों ओपन करेगी, मुनीबा अली नंबर 3 पर विकेट कीपिंग करेगी, जावेरिया रोफ और निडर नंबर 4 और 5 पर रहेंगे दोस्तों, दोनों ऑलराउंडर है अपनी टीम के लिए, आले रिवाज भी ऑलराउंडर है, अच्छी खासी बैटिंग और बॉलिंग कर लेती हैं। फिर नंबर 7 पर दोस्तों डायना बेग और अनंत अमीन आएगी जो बॉलर है, नंबर 9 पे अमन अनवर, नंबर 10 पे नसरा संधू और 11 पे दोस्तों सादिक इकबाल है। दोस्तों इंग्लैंड ने जो वेस्ट इंडीज़ वुमन की जो टीम है दोस्तों, इन्होंने लास्ट T20 दोस्तों सितंबर 2020 में खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, जहां दोस्तों ये 5-0 से हार के आ रही है सीरीज। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ वुमन ने कोई मैचेस नहीं खेला इंटरनेशनल दोस्तों। और दोस्तों अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, पाकिस्तान वुमन की, तो दोस्तों पाकिस्तान वुमन भी दोस्तों लास्ट चार मंथ से कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला दोस्तों। और जो पाकिस्तान ने जो लास्ट T20 सीरीज़ खेली थी दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो 2-1 से हार के आ रही है। तो दोनों टीमें अपने जो लास्ट सीरीज हुई थी वो दोनों अपनी टीमें हार के आ रही है। लास्ट 5 मैचेस की बात करें दोस्तों तो वेस्ट इंडीज़ ने 2 और पाकिस्तान वुमन ने 3 मैच जीते हैं। अगर हम टॉप पिक की बात करें दोस्तों तो स्टेफन टेलर है, जिसने 108 T20 मैचेस खेले हैं और 3062 रन बनाए 36 की एवरेज के साथ तथा 94 विकेट लिए हैं 5 की इकोनॉमी के साथ। तो एक बेहतरीन पिक है आपके लिए ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में तथा आप कैप्टनसी और वीसी भी आप इसको प्रेफर कर सकते हो। फिर दोस्तों टॉप पिक में बात करें तो हेली मैथ्यूज़ एबी स्टार प्लेयर है वेस्ट इंडीज़ वुमन की, जिसने दोस्तों 986 रन बनाए 55 T20 में और 51 विकेट हैं। तो सी इज़ अ डिसेंट प्लेयर एंड कैप्टन और वीसी के लिए भी एक बेहतरीन प्लेयर है। आले रियाज तो पाकिस्तान की एक सुपर ऑलराउंडर है दोस्तों, जिसने T20 करियर के 37 मैच में 490 रन बनाए और 17 विकेट लिए, तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन प्लेयर है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, अगर पाकिस्तान के जो प्रॉपर बॉलर के साथ खेलते हैं, जैसे कि अगर 5 बॉलर के साथ खेलती है पाकिस्तान की टीम, तो आले रियाज को अपने कोटे के पूरे 4 ओवर मिलेंगे, उस रोल में इसका फिर ज़्यादा रोल बढ़ जाएगा और विकेट जो चांसेस रहे वो भी बढ़ जाते हैं। चलेगी तो जावेरिया खान की बात करें तो दोस्तों 200 इंटरनेशनल गेम खेल चुके हैं दोस्तों और 1882 रन बनाए T20 के करियर में और 11 विकेट लिया, तो बॉलिंग अब कर नहीं रही है लेकिन अच्छी खासी आपको एक बैट्समैन में पाकिस्तान की एक शानदार बैट्समैन है। अगर हम वेस्ट इंडीज वुमन की जो की प्लेयर है उनकी बात करें तो डोटिन है दोस्तों, डोटिन ने लास्ट कुछ मैचेस खेले उसमें 11 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 63 रन 2 विकेट, 1 मैच में 38 रन बॉलिंग नहीं की और 69 रन कोई बॉलिंग नहीं की। तो ये भी आपके लिए बेहतरीन प्लेयर, आप देख सकते हो कि किस प्लेयर्स ने लास्ट कैसा परफॉर्म किया। हेली मैथ्यूज ने दोस्तों 0 रन बनाए, 11 रन बनाए, 21 रन, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। तो इनके रिसेंट जो लास्ट मैचेस में खेले गए हैं उनकी परफॉर्मेंस है।
स्टीफन टेलर ने दोस्तों 15 रन नॉट आउट किए, 13 रन कोई विकेट नहीं, 14 रन एक विकेट, 28 रन 2 विकेट और 2 विकेट, ये बेहतरीन प्लेयर हैं। कुपर ने दोस्तों एक ही मैच में खेला उसमें 0 बनाए क्योंकि बहुत डाउन होती है बैटिंग करने। एंड्री ने दोस्तों 12 रन कोई विकेट नहीं, 7 रन कोई विकेट नहीं, 0 रन कोई विकेट नहीं। अनिशा महमूद आज ही खेलेगी और कौनसल है दोस्तों, कौनल ने एक बेहतरीन परफॉर्म किया है लास्ट के 5 T20 मैच में जिसमें 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, यानी कुल मिला के बात करें तो 7 विकेट है दोस्तों। पाकिस्तान की ओर से बात करें तो नायडा खान खेलेगी दोस्तों। जवेरे खान ने लास्ट 3 मैचों में 31 रन 16 रन और 35 रन बनाए, किन के खिलाफ बनाए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए। निडा डन ने 1 विकेट लिया 2 विकेट लिया 18 रन और 2 विकेट, तो ये भी आपके लिए कैप्टन विसी की बेहतरीन पिक है। आलिया रिवाज ने 39 रन और 41 रन 1 विकेट 0 विकेट। डायना बेग ने दोस्तों 5 विकेट लिया 3 मैच में और नसरा संधू ने 2 विकेट लिया 2 मैचों में। दोस्तों पिच तो अगर ये जो मैच खेला जाएगा जिस वेन्यू पे दोस्तों, चाहे पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए जीतना थोड़ा आसान होता है, सेकंड बैटिंग यानी चेस है मुश्किल होता है, तो जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको हम ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ जो पिच है दोस्तों 140-150 के समथिंग ही बनेगी, ओमन मैच में ज़्यादा स्कोर नहीं बनता। अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मेंस की दोनों साइड के, वेस्ट इंडीज़ ओमन और पाकिस्तान ओमन, तो डोटी ने पाकिस्तान ओमन के खिलाफ 13 मैच खेले जिसमें 270 रन बनाए 27 की एवरेज से। स्टीफन टेलर ने दोस्तों 8 मैच में 215 रन किए और 2 विकेट लिया, तो एक बेहतरीन प्लेयर है वेस्ट इंडीज़ की ओर से। चेट्टी नेसन ने दोस्तों 4 मैच में 82 रन किया 44 की एवरेज से, क्योंकि वो नीचे बैटिंग करती हैं और बहुत बार नॉट आउट भी गई है। अलीसान महमूद है जिसने 13 मैच में 15 विकेट लिए और कोनल ने 7 मैच में 6 विकेट लिए। पाकिस्तान की ओर से बात करें तो जवेरे खान 11 मैच में 186 रन बनाए 17 की एवरेज से। नेडर 13 मैच में 145 रन 16 की एवरेज। आलिया रिवाज 8 मैच में 82 किया 1 विकेट लिया और अनवर ने 4 मैच में 4 विकेट और डायना बेग ने 2 मैच में 3 विकेट। तो आप ये रिकॉर्ड देख सकते हो जो दोनों टीमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेली थी, तो किस प्लेयर ने कितना कुछ किया है, तो स्टीफन टेलर बेहतरीन प्लेयर साबित होती है यहाँ पर भी। अगर इस वेन्यू पर जहाँ मैच खेला जाएगा उस पर बात करें आपस में, तो स्टीफन टेलर ने 3 मैच खेले 70 रन बनाए और 3 विकेट लिए, बेहतरीन प्लेयर है, बार बार नाम यही आ रहा। डोटिन ने 3 मैच खेले 29 रन बनाए 1 विकेट लिया। अलीसान महमूद ने 2 मैच में 4 विकेट लिया, तो ये भी एक बेहतरीन प्लेयर है। और सेलमैन ने 2 मैच में 1 विकेट लिया। अब हम थोड़ा रिसेंट आंकड़ा भी देख लेते हैं, तो डोटिन ने दोस्तों लास्ट 8 T20 में 197 रन बनाए 25 की एवरेज के साथ, तो बेहतरीन प्लेयर है। फिर आता स्टीफन टेलर जिसने 8 मैच में 162 रन किया 40 की एवरेज के साथ और 10 विकेट लिए 8 मैचों में T20 में, तो एक बहुत ही डिसेंट प्लेयर है। जवेरिया खान जिसने 5 मैच में 138 रन किए 46 की एवरेज के साथ, ये भी बेहतरीन प्लेयर है। आलिया रियाज की बात करें तो 7 मैच में 120 रन किया 30 की एवरेज के साथ। बॉलिंग में बात करें तो अनम अमीन ने 6 मैच में 7 विकेट, निडा डन ने 6 मैच में 7 विकेट लिया और कुंदन ने 7 मैच में 8 विकेट लिया। तो दोस्तों मैंने बेहतरीन और जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी प्लेयर स्टेट से वो मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं ड्रीम टीम के बारे में। ड्रीम इलेवन की अपनी टीम बनाते हैं, ये टीम फाइनल नहीं होगी, तो उसके बाद हम जरूर कुछ चेंजेस करेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों विकेट कीपर में आपके पास 3 बेहतरीन ऑप्शन हैं, सिद्रा नवाज, कैसा नाइट और मनु बाली। तो दोस्तों सारे जो लोग हैं वो सिद्रा नवाज को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत डाउन बैटिंग करेंगे 6 या 7 नंबर पर। कैसा नाइट पे बहुत डाउन बैटिंग करती है, तो मैं लूँगा दोस्तों मुनी बाली को जो नंबर 3 पर बैटिंग करती है और बेहतरीन प्लेयर है। बैट्समैन में बात करें तो जवेरे खान को हम छोड़ नहीं सकते, डोटिन को हम नहीं छोड़ सकते। नायडा खान, ओमिमा सोहिल, बेन कुपर 3 बेहतरीन प्लेयर है। बेन कुपर का भी रिसेंटली अच्छा खासा परफॉर्म किया है। दोस्तों मैं जवेरे खान, डोटिन, नायडा खान को लूँगा, आप बेन कुपर और ओमिमा सोहिल को ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर में मैं स्टीफन टेलर, हेली मैथ्यूज, मैं रियाज को ट्राई करना चाहता था लेकिन क्रेडिट इश्यूज करेगा दोस्तों, तो मैं रियाज को अभी के लिए अपनी टीम से बाहर निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर लाइनअप के आने के बाद ऐसा कोई प्लेयर जो नहीं खेलता वो कहीं से क्रेडिट मैनेज हो जाते हैं, तो हम इसको जरूर ट्राई करेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहे। फिर मैं लूँगा दोस्तों नायडा डर को जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। बॉलिंग में अनिशा महमूद, डाइना बेग, कोनल, इन तीनों को तो आप छोड़ भी नहीं सकते, अब चाहिए एक और। तो मैं दोस्तों अभी के लिए या तो आप एलिना को ले या सिद्रा इकबाल को लो, तो इकबाल एक बेहतरीन प्लेयर है, अगर खेली तो जरूर ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर डायलेज हम एलिन को ले लेंगे। तो अभी के लिए हमारी ड्रीम टीम ये बनती है। कैप्टन विसी की बात करें तो स्टीफन टेलर, हेली मैथ्यू, निडर, इन तीनों ऑलराउंडर में ही आप ट्राई करें। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो में यही ख़त्म करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए।